Alright, so what's up everybody, my name is Samya. Hope you guys are doing great. Well, today I'm doing great as always. Now, just like I told you yesterday that I have to shoot 2-3 videos. One is for boots, my new riding boots. And the second is the helmet setup. So this video will be about riding boots. I will share riding boots ka importance. Jo hai, wo share karunga. Uske baad se maine riding kaun se boots liye hai. Agar aapko agar wo boots lene hai, तो आप कौन से लिंक पे जा सकते हो, कहाँ से लिए, वो सब की डिटेल्स मैं आज वीडियो में बात करूंगा. बूट्स मैंने 2-3 वीक पहले लिए थे, इट्स अराउंड 1 महीना हो गया बूट्स लेके. सो इसका मैं प्रॉपर रिव्यू दे सकता हूँ. मैंने बूट्स लेके अनबॉक्स करके, मैंने बूट्स लेने के बाद उसका अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाने का सोचा था, बट इतना सेंस नहीं बन रहा था क्योंकि मेरे पास उस बूट के बारे में कुछ एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या सीन है, कि वर्थ इट है या नहीं है, जिस प्राइस रेंज में मैंने लिया है उस प्राइस रेंज में वो बेस्ट है या नहीं है. सो इसी के लिए मैंने इसके साथ थोड़ा टेस्टमेंट किया, बूट को ब्रेक डाउन किया, उसके बाद उसके साथ राइड्स किए एंड ऑल द थिंग्स. एंड नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं इसके बारे में वीडियो बना सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ, ये बूट अच्छा है या नहीं है. सो इसी के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, स्ट्रेट टॉपिक में जाते हैं. फर्स्ट, राइडिंग बूट्स का इंपॉर्टेंस ये होता है कि अगर आप राइड पे जा रहे हो, बहुत सारे राइडर्स होते हैं जो राइडिंग बूट्स नहीं पहनते, बहुत सारे होते हैं जो पहनते हैं. राइडिंग बूट्स नहीं पहनने का रीजन ये होता है कि जब हम चलते हैं तब वो पैर को इतने कंफर्टेबल नहीं लगते. राइडिंग बूट्स के टाइप्स है, रेसिंग बूट्स है, राइडिंग बूट्स है, रैली बूट्स है. सो इसके बहुत सारे टाइप्स है. फर्स्ट, अगर आप राइडिंग बूट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, सो मैं सजेस्ट करूंगा ब्रेक डाउन के लिए, या फिर बजट कम है, जैसे मेरा अभी बजट था अराउंड मुझे 5-6,000 तक का चाहिए था, बट उसमें मैंने ऐसे किया कि सोचा कि जो बेस्ट मिले वो चाहिए. सो इसी की वजह से मैंने जो अभी शूज परचेस किया है, बूट परचेस किया है, वो है. तो सीन ऐसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि राइडिंग बूट्स इंपॉर्टेंट है लेग के लिए, गियर्स इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर राइडिंग. डजंट मैटर आप कहाँ पे जा रहे हो, क्या कर रहे हो, सिटी में हो या फिर लॉन्ग राइड पे हो, कहीं पे भी हो, गियर्स इज इंपॉर्टेंट. फॉर दैट मैटर बूट्स इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो. बाकी के गियर्स भी है जिसके बारे में वीडियोज बनाऊंगा, अभी फिलहाल बूट्स के बारे में बात करते हैं. सो बूट का सीन ये है कि लेग शुड बी वेरी प्रोटेक्टिव, आपके जो लेग्स है, क्योंकि अगर बाइक गिर रहा है तो वो सीधा पैर पे गिरता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बूट्स की क्वालिटी, लेदर बूट, एंड अगर उस पर प्रोटेक्टर्स है वेरी गुड, नहीं है इट्स फाइन, चल जाता है, ठीक है. बट शुड बी अ काइंड ऑफ हार्ड शूज, इसीलिए उसको बूट्स बोलते हैं. पैरा बूट्स इज अमेजिंग, स्टार्टिंग एंट्री लेवल के लिए होते हैं, तो आप पैरा बूट के लिए जा सकते हो. अगर आपका बजट अराउंड 3,000-2,000-1,000 ऐसे कुछ है तो आप पैरा बूट्स के लिए जा सकते हो, ऑलवेज गुड. सो सीन ये है, अभी जो मैंने बूट परचेस किया है उसके बाद वो दिखाते हैं और उसी के बारे में बात करते हैं. बूट्स का सीन ये होता है राइडिंग बूट्स का कि आई डोंट वांट, सी व्हेनेवर वी आर राइडिंग हाई सीसी बाइक और एनी बाइक, ओके, व्हेन इट्स कम टू राइडिंग और व्हेन इट्स कम टू सेफ्टी और फैमिली एंड शुड बी फील सेफ व्हाइल वी आर राइडिंग. मुझे ये नहीं चाहिए कि अगर मैं बाहर जा रहा हूँ मेरी फैमिली ऐसे सोचे कि यार बाहर तो जा रहा है, राइड पे तो जा रहा है, बट सेफ्टी है या नहीं है, क्योंकि रोड पे होते हैं तब बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, बाइक गिरने के चांस होते हैं, एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं. सो आपको ये पता है आप कैसे चलाते हो, बट आपको ये नहीं पता कि सामने वाला कैसे चलाता है, उसके लिए आपकी सेफ्टी अपने को रखना पड़ता है, आपके लिए सेफ्टी आप खुद रखना जरूरी है. सो शूज लाते हैं, शूज को दिखाते हैं क्या सीन है क्या नहीं है, बात करते हैं उसी के बारे में. लेट्स गो. ऑलराइट, सो ये जो शूज है, राइडिंग बूट्स है, ये मैंने परचेस किया है, दिस इज द 2 पेयर्स. सो सी एस है, इसके बारे में हम बात करते हैं, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं फिलहाल. ये जो शूज है, ये जो बूट्स है, इसको यहाँ से लेदर फिनिश है यहाँ तक, और ये जो है इसका ये कॉटन का पार्ट है, एंड दिस इज द लेदर अगेन, यहाँ पे कॉटन है एंड लेस एंड एवरीथिंग, यहाँ तक उसका लेस ये बंद हो जाता है. तो सीन ऐसे है कि जब भी हम राइडिंग बूट्स पहनते हैं, बेसिकली अगर वो पूरा लेदर का बूट है तो हम जब भी चल रहे हैं तो यहाँ से बेंड होता है. कुछ बूट्स ऐसे है जो यहाँ से बेंड होते हैं, उसकी वजह से चलने में वो बहुत अनकम्फर्टेबल होते हैं. सो वो एक सीन था मुझे पूरा लेदर बूट नहीं परचेस करने का. ये जो बूट है इसका सीन यही अच्छा था कि यहाँ पे कॉटन है, तो अगर हम चल रहे हैं वगैरह तो वो बेंड होता है हमारे पैर के हिसाब से, एंड एज यू कैन सी हियर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बेंड हो चुका है बिकॉज ऑफ ब्रेक डाउन, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से ब्रेक डाउन किया है. इसको मैं 1 महीना हो गया परचेस करके, एंड उसके बाद सीन ऐसे था कि मैं इसको ऑफिस में पहन के जा रहा हूँ, अगर राइड पे हो राइड पे पहन के जा रहा हूँ, मैं इसको इन जनरल सिटी में वगैरह पे 1-2 बार पहना हूँ. सो मुझे कुछ ज्यादा ऐसे अनकंफर्टेबल नहीं लगा, ब्रेक डाउन करने के लिए उतना तो करना ही पड़ता है. स्टार्टिंग में थोड़ा सा, जब मैंने फर्स्ट टाइम पहना था, तब जब मैंने इसको फुल टाई करके यहाँ तक पहना था,
उसके नॉट्स वगैरह अप करके, तब थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था. बट वेन यू आर ऑन अ राइड, वेन जब हम राइड कर रहे हैं तब वो बहुत सही से जा रहा है. एंड दिस इज द थिंग अबाउट दिस बूट, इसका जो ग्रिप है, ग्रिप बहुत सही है. मैंने ट्राई किया माउंटेन वगैरह पे, इट्स लाइक स्लाइड एंड ऑल, सही ग्रिप है. और जिस प्राइस रेंज में ये शूज मुझे मिला है, इट्स अमेजिंग. सो इसको हम वेयर कर सकते हैं अगर आप ऑफिस जा रहे हो, थोड़ा यू नो स्टडी लुक है आपका ऑफिस में एंड ऑल द थिंग्स, आप ऑफिस में भी पहन सकते हो. थ्री टाइप्स में इसको आप पहन सकते हो. फर्स्ट है एक, उसको हम जैसे हम राइड पे जाने के बाद पहनते हैं, यहाँ पे नॉट अप करके, आप इसको पैंट के ऊपर या फिर पैंट के अंदर पहन सकते हो, लाइक पैंट अंदर लेने के बाद, या फिर जीन्स जो है आपका इसके ऊपर भी लगा सकते हो, या फिर सीधा हम जब जैसे पाव डालते हैं यहाँ पे अंदर जीन्स रख सकते हो. सो इट्स अप टू योर चॉइस कि आपको कैसे पहन. ऑलराइट, सो जैसे हो गया था कि कैमरा का स्टोरेज फुल हो गया था तो उसको हमने चेंज किया. सो हम लोग बात कर रहे थे शूज के बारे में. दिस इज अनदर पेयर जो हम गियर वाले साइज में पहनते हैं, लेफ्ट साइड. यहाँ पे आपको दिखेगा गियर के मार्किंग्स, सो इट्स ब्रेक डाउन वगैरह किया उसके वजह से. सो मैं बात कर रहा था ये शूज को हम कैसे पहन सकते हैं, जिसके तीन टाइप है, जिसको मैंने फर्स्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया. सेकंड टाइप, इसको आप टक डाउन करके, मतलब टाइप करके शूज के जीन्स के बाहर पहन सकते हो या फिर अंदर. ऑलराइट, द सेकंड वन इज लाइक दिस, एंड द थर्ड वन इज कि इसका फर्स्ट नॉट निकाल के हम इसमें पहन सकते हैं ताकि आपको ये वाला फ्री हैंड मिले. ऑलराइट, बट उसमें सीन ऐसे होता है कि ये बाहर चला जाता है, एंड एट द सेम टाइम जब ये बाहर जाता है, अगर आप बाइक पे चल रहे हो या फिर हम ट्रैफिक में वगैरह है, तो मोस्टली ऐसे होता है कि जो फुट रेस्टर्स है बाइक के, उसमें कभी कभी अटक जाता है. सो उसका ध्यान रखना है. बाय द वे, इस शूज का जो कंपनी है वो है ओमी गोल्ड, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, एंड ये मुझे बहुत अच्छे से डील में मिला. इस शूज का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अगर आपको परचेस करना है डायरेक्टली जाके अमेजोन से परचेस कर सकते हो. दिस इज द थिंग, एंड एट द सेम टाइम दिस इज वेरी यू नो स्मूथ एंड वेटलेस. इसका वेट ज्यादा नहीं है, अगर आप पैर में पहन रहे हो तो ज्यादा पैर हेवी होता नहीं है. थोड़ा बहुत अगर आप राइडिंग बूट्स पहन रहे हो सो उतना हम यू नो एडजस्ट कर सकते हैं. सो दैट इज द थिंग, दिस इज द थिंग्स अबाउट दिस शूज. और एट द सेम टाइम इसका जो अंदर का कुशनिंग है इज गुड, बट अगर आप हो सके तो अंदर आपको थोड़ा हार्ड कुशनिंग है तो आप इसमें और एक यू नो लेयर बिठा सकते हो, जिससे आपके पैर को कंफर्ट मिलेगा. सो दैट इज द थिंग अबाउट द शूज. बाय द वे, दिस इज द यू नो ओल्ड सेटअप जो मैंने किया था. आई होप दिस इज लुकिंग गुड, एंड दिस इज द थिंग. सो ये था इस शूज के बारे में. आई होप यू लाइक दिस वीडियो अबाउट दिस शूज एंड एवरीथिंग. इसके कुछ फोटोज रहेंगे, इसका फोटोशूट करना है, इसके फोटोज आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे. इसका अगर आपको बाय करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा. सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो. इफ यू गाइस डिड, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. वीडियोज आते रहेंगे अभी कंटिन्यू, तीन चार दिन वीडियोज आने वाले हैं. दिस इज 26th of November. ऑलराइट, सो आ जाएगी फटाफट वीडियो आ जाएगी. सो सी यू सून, टिल देन स्टे सेफ एंड ciao.